नहीं है, उसकी दीवार है। और जर्मनी का ये दूसरा कदीम तरीन कब्रिस्तान है और यहूदियों का कब्रिस्तान है। ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इन पर उन यहूदियों के नाम दर्ज हैं जिनको पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में कत्ल किया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और फरमाया कि कोई कब्र एक बालिश से ऊंची नजर आए उसको गिरा दो। लेकिन हमारे आप कब्रिस्तानों को देखो, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है एक कब्र पे। तो बहुत ही एक कदीम हिस्टोरिकल प्लेस पर हूँ। ये जो ये कब्रिस्तान है, ये उसकी दीवार है और जर्मनी का ये दूसरा कदीम तरीन कब्रिस्तान है और यहूदियों का कब्रिस्तान है। यहाँ पर हिटलर ने यहूदी बहुत कत्ल किए थे और उसे एक जालिम की हैसियत से देखा जाता है यहूदियों के हक में। जब पहली जंग अजीम ख़त्म हुई है तकरीबन 1918 के लगभग में, तो जर्मनी को फ्रांस और ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था उस जंग अजीम में, और जर्मनी बहुत ही बदहाली का शिकार हो गया था।